स्वामी जी गुरु पूर्णिमा पे अच्छा रहता। चलो प्रभु गुरु पूर्णिमा विषय पे बोलते हैं। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय, और स्वामी शिवानंद जी महाराज की जय, स्वामी चिदानंद जी महाराज की जय, श्यापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पौंडु हनुमान की जय। अब प्रश्न ये है भैया कि आज वो पवित्र गुरु पूर्णिमा का दिवस है और हमें गुरु विषय पे चर्चा करने की आज्ञा है आप सब लोगों की तरफ से, तो आप सब लोगों की ओर से गुरु पूर्णिमा विषय पे कुछ चर्चा करने की। गुरु पूर्णिमा का अर्थ हुआ कि गुरु गुरुदेव की पहले की एक ये वंदना किया जाए कि ब्रह्मानंदम ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानवर्धिनम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वधी साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम नमामि। तो ये है भैया गुरु का स्वरूप, भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। ये है स्वरूप किसका? गुरु का। भावातीतम, आपका नाम क्या है? आपका नाम है महानुभाव। आपका नाम है महानुभाव। और गुरु कौन है? भावातीतम त्रिगुण रहितम। आप क्या हो? आप गुण, सुबह से शाम तक एक न एक गुण में ही रम रहे हो। प्रातः काल होता है, आप मुंह धोते हैं शौच आदि करके जो आपका, या ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हो उस समय आप सत्वगुण के परिधि में होते हो। फिर दोपहर को आप जो है कि रजोगुण में होते हो, और रात्रि को तमोगुण के बिना आपको निद्रा नहीं आ सकती, तो तमोगुण होता है। इस तरह से आपका जीवन का 60 साल 70 साल 80 साल गुणों के चक्र में चलता है। और गुरु क्या है? भावातीतम त्रिगुण रहितम, भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। ब्रह्मानंदम परम सुखदम, ब्रह्मानंदम परम सुखदम। अब ये ब्रह्मानंदम शब्द जो है, तो इस शब्द को पहचानना विचार करना जरूरी है। हम लोग कहाँ हैं? हम लोग हैं विषयानंदम। हम लोग सुबह से शाम तक संसार में जो एक एक विषय को पकड़ रहे हैं, उलट रहे हैं, पलट रहे हैं, आगे देख रहे हैं, पीछे देख रहे हैं, फेंक रहे हैं, रख रहे हैं, फिर दूसरा विषय पकड़ रहे हैं, उठा रहे हैं, देख रहे हैं, चेक रहे हैं। मित्र को पकड़ा, मित्र को आगे पीछे उल्टा सीधा करके चेक किया, फिर पटका, फिर दूसरे मित्र को पकड़ा, फिर पड़ोसी को पकड़ा, फिर अंकल जी को पकड़ा, फिर मौसी को पकड़ा, फिर चाची को पकड़ा, सबको अलर्ट पलट करके अपन देख रहे हैं। अपन ये देख रहे हैं कि आनंद कहां पर है, आनंद किन में है, किस में आनंद है। सत्यता ये आपको मालूम पड़ती है कि जिस पदार्थ से और जिस मटेरियल से आप बने हो, वो अगला भी उसी मटेरियल का ही माल मिलता है ना आपको। आपको इससे नया माल मिलते ही नहीं। आप चाहे कितने ही 70 साल तक पर डे नया नया मॉडल पकड़ो, उठाओ, टटोलो, ऊपर देखो, नीचे देखो, चारों तरफ देखो, लास्ट में मालूम पड़ेगा कि ये वही मटेरियल है। और क्योंकि विषयानंदम में आप हो, विषयानंदम में वो है। गुरु कौन है? ब्रह्मानंदम। आपको आप जो है सुबह से शाम तक बहुत सारे चिंताओं में, कष्ट में, स्ट्रगल में रहते हो। गुरु कौन होते हैं? ब्रह्मानंदम परम सुखदम। आप क्या हो?
रोज आपके निर्णय बदलते हैं, रोज तुम्हारे निर्णय बदलते हैं हर बात पे। मैं वहां 14 बीघा में कमरा लूंगा, नहीं यार मैं वहां कमरा लूंगा। मैं काला पैंट पहनूंगा, नहीं यार मैं पीला पैंट पहनूंगा। नहीं यार मैं ये करूंगा, नहीं यार मैं। पता है क्यों आपके निर्णय बदलते हैं? क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है, आपको ज्ञान नहीं है, इसलिए आपके निर्णय पर आपको विश्वास नहीं है, तो इसलिए तो आप अज्ञान में हो, तो आप अज्ञान में हो। और गुरु कौन है? ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति। और भाई साहब आप जो है यार वो स्वामी क्या चले, क्यों स्वामी थोड़ा मीठा ही बोलता है, थोड़ा हल्का था फिर भी ठीक ठाक है, और उसके यहां चले, अरे वो तो हृदय से भी कड़वा बोलता है, तो मीठी के पास चलो। तो जगत में किसके पास चलो, किससे बात करो? तो जो हमारे अनुकूल बात करे और जो विपरीत बात करे वो नहीं। हमें किसी को बरसात का मौसम पसंद है, किसी को गर्मी का मौसम पसंद है, किसी को हवा पसंद है, किसी को द्वंद में आप रहते हैं सदा सर्वदा, पूरा जीवन आपका द्वंद में रहता है। और गुरु क्या है? द्वंद्वातीतम, गुरु द्वंद्वातीतम है। तो ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। अब यह है कि तो आप और हम सब द्वंद में रहते हैं, तो इस कारण से अब बात यह है कि हम द्वंद में रहते हैं। हाँ, तो हम ढूंढने कैसे, क्योंकि हमें तो ज्ञान है ही नहीं। हाँ, तो फिर अगर हमें ज्ञान नहीं है तो हम फिर उस गुरु को कैसे ढूंढें? हाँ, जो हमें उस द्वंद से निकाल के उस वास्तविक राह पे मार्ग पे ले जाए। बहुत सुंदर आपका प्रश्न है, तो हमारे जहाज जी ने प्रश्न किया कि गुरु को कैसे ढूंढे द्वंद में है। पर अभी तो अभी आपकी चर्चा अभी और बची है, अभी पहले आपका इंट्रोडक्शन और दे दूं, गुरु का इंट्रोडक्शन बाद। तो अब प्रभु यह है कि अब मेरे भाई इस ईश्वर के दो स्वरूप हैं। आज आपने जो यज्ञ किया, कितना सुंदर आपने यज्ञ किया, वो यज्ञ में दो चीजें आपने निकाली। सर्वप्रथम आपने कलश को पुरुष बताया, सर वो कलश का वो मंत्र बोलना पंडित जी, आपने वो कलश का क्या मंत्र बोला था? कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले तत्सृष्टो ब्रह्मा मध्ये मातृगणास्मृता कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्त दीपा वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणः अंगेश्च सहिता सर्वे कलशम्भू समाश्रिताः अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकरी तथा आयान्तु देव पूजात दुरितक्षय कारका गंगेश्च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु ब्रह्माण्डोदर तीर्थानि कलेस्पृष्टानि ते रवे तेन सत्येन मे देह हरि ओम हरि ओम। खैर कलश की अवे मंत्र तो और बचे हैं, लेकिन कलश को जो यज्ञ हवन कराते हैं हम लोग पंडितों के द्वारा, वे सर्वप्रथम कलश को ब्रह्मांड का स्वरूप देते हैं, ब्रह्म का स्वरूप देते हैं। फिर इन्होंने वहां पर एक सुंदर सा एक बेदी बनाई, वो बेदी में तीन गुण डाले, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण माने ब्रह्मा विष्णु महेश, वो डाल करके बीच में प्रकृति रूपी माता की योनि स्थापित किया। अब योनि स्थापित किया और फिर वो इन दोनों का पूजन किया। मेरे भाइयों मेरे प्रिय मित्रों, आप लोग इससे अलग कुछ नहीं हो, आप लोग जो माल हो वो यही माल हो। मतलब जो पुरुष रूप में हैं उनको आप पापा कहते हो, डैडी कहते हो, पिता कहते हो, और जो प्रकृति रूप में हैं उनको आप मम्मी कहते हो, माम कहते हो, माता कहते हो। इन दोनों के सम्मिलन से आप और हम यहां उपस्थित हैं। तो अब एक का तो शुक्र और एक का रज, ये दोनों ने तो शुक्र से
मैं समझता हूं कि हमारा आंतरिक शरीर का गठन होता है और रज से मैं समझता हूं कि हमारा बाह्य शरीर का गठन होता है। अब भैया इससे शरीर को तो हमने प्राप्त किया पर धक्के खा रहे हैं इस संसार में, इस संसार रूपी भव समुद्र में जो बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक धक्के खा रहे हैं, बस यही कर रहे हैं, टटोल रहे हैं, उठा रहे हैं, पटक रहे हैं, रख रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं हम, लेकिन ना हमें पता न दुनिया को पता ये ढूंढ क्या रहा है। बट यू आर सर्चिंग समथिंग, दैट इज द रीजन यू आर वांडरिंग हियर एंड देयर एंड सो यू आर वांडरिंग हियर एंड देयर। अब भाई साहब सच्चाई ये है कि आपके अंदर में जो एक तत्व है, परम पुरुष तत्व है, वो ईश्वर तत्व है, वो अपने स्वरूप को प्राप्त होना चाहता है। सच्चाई ये है। वो आपका स्वरूप क्या है? आपका स्वरूप बड़ा है, बड़ा। तो बड़ा के लिए आप क्या करते हो? जी जान से मेहनत करते हो। क्या क्या बनने के लिए? बड़ा बनने के लिए। बड़ा। अब बड़ा बनने के लिए क्या करते हो? ये नीरज भाई क्या कर रहा है? ये अभी 6 महीने पहले कैसा था? पतला, छोटा। अभी इसने बड़ा बनने की कोशिश करी। बड़ा कैसे बन रहा है? शरीर की वर्जिश करके, जिम जा करके, मक्खन खा के, घी खा के, ये खा के, वो खा, बड़ा। तुम लोग सर्दियों में कोट पैंट टाई इस तरह के कपड़े पहनते हो ताकि तुम बड़े दिखो, चौड़े दिखो। तुम को ये बड़ापन की टेंडेंसी आपके खून में रमी हुई है। आप जीवन जो जी रहे हो बड़ा बनने के लिए जी रहे हो। क्यों पता है क्यों जी रहे हो? क्योंकि आपका जिससे जन्म हुआ है वो बड़ा है। ब्रह्म से ब्रह्म बना है, तो आपकी उत्पत्ति उस बड़े से हुई है। ब्रह्मांड ब्रह्म तो उस बड़े से हुई है, तो आप अपने स्वरूप को, अपने खून को कैसे भूल जाओगे? ले दे करके आप बड़ा ही बनने की कोशिश करोगे तो एन केन प्रकरण आप बड़ा बनने की। आपके पास साइकिल है, अगले उस साइकिल को फेंक के स्कूटर लाओगे, स्कूटर है उसको फेंक के गाड़ी लाओगे, तुम्हारे पास एक झोपड़ी है उसको फेंक के एक कमरा बनवाओगे, एक कमरा है उसको फेंक करके दो कमरे का सेट बनाओगे, बिल्डिंग बनाओगे तो उत्तरोत्तर आप अकेले हो तो दुकेले बनोगे, दुकेले हो तो चौकेले बनोगे। उत्तरोत्तर आप बड़ा होने की कोशिश में हर व्यक्ति लगा है। एन केन प्रकरण, अर्थ से, धन से, स्वास्थ्य से, शरीर से, नाम से, इज्जत से, उपाधि से, ज्ञान में बड़ा होना चाहिए। 4 आदमी 10 आदमी कोई बहस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो हर आदमी सोचेगा कि मैं ऐसा टिक्का मार दूं कि सब लोग मेरा मुंह देखते रह जाएंगे, यार क्या यार बड़ा बुद्धिमान आदमी। तो बड़ापन की जो हमारी जो मूलभूत टेंडेंसी है ये, अब बड़ा कौन है? ईश्वर, परम पिता, परमेश्वर। प्रकृति, ये जो प्रकृति है, जो अष्टधा प्रकृति, पंच तत्व और मन बुद्धि अहंकार, ये प्रकृति ने उस पुरुष का तेज अपने अंदर धारण करके आपको और हमको जन्म दिया है। तब से हम बड़ा बनने के प्रयास में कोशिश कर रहे हैं। गाना गाना है, आप सोचोगे कि यार मैं ऐसा गाना गा दूं कि, ये तबला बजाना है, आप सोचोगे कि मैं ऐसा तबला बजा दूं कि सब देखते रह जाएं। बिल्डिंग बनाना है, कपड़े पहनना, दिखने में ऐसा सोचोगे कि मैं ऐसा दिखूं कि सब देखते रह जाएं। बड़ा बनने की हम सब में टेंडेंसी होती है। तो ये क्यों होती है? क्योंकि हम ब्रह्म से उत्पन्न है। अब प्रश्न ये है कि उस आपके बड़ेपन से, उस आपके ओरिजिनलपन से, उस आपके वास्तविक स्वरूप से मिलवाए कौन? मेरे पास आओगे, मेरी तो बर्फ की फैक्ट्री, मैं कहूंगा भैया कुल्फी बना और काम कर, तेरे को 500 रुपए दे दूंगा। वो आश्रम में जाओगे, वो कहेगा भैया वो कमरे साफ कर और ये 800 रुपए पकड़। वो कहेगा कि स्कूल में गुरुजी बन जा, वो कहेगा योगा सीखा, ये कर, पैसा दे दूंगा। तुमको बड़ा बनने की बात कौन बोलेगा इस दुनिया में?
और तुम्हारे बड़ेपन का परिचय कौन देगा? और टीचर के पास जाओ, वो बोलेगा कि संगीत सीख लो, तबला सीख लो, संस्कृत सीख लो, साइंस सीख लो, अपना ये कि हिस्ट्री सीख लो, ज्योग्राफी सीख लो, या अपना बॉटनी, जियोलॉजी, एक्स वाई जेड, संस्कृत, कुछ भी सीख लो। लेकिन जो तुम्हारी टेंडेंसी है बड़ा बनने की, और तुम्हारा मूलभूत उद्गम कहां से है, और तो ये कौन बताएगा तुमको इस दुनिया में? माँ के पास जाओ, माँ कहेगी बेटा अच्छा कमा, खुशी रह, कमा खा, हर महीने इतने दे दिया कर, खुश रह। बाप सोचेगा कि बेटा कलेक्टर बन जा, पुलिस ऑफिसर बन जा, नहीं तो ये बन जा, वो बन जा, डॉक्टर बन जा, और मैं जो नाम नहीं कर पाया वो नाम तू करके दिखा। अब आप भी लगे हो अपने अपने पुरुषार्थ में, लेकिन जो तुम्हारी मूलभूत टेंडेंसी है, तब भी मर के भी आप पुनर्जन्म लेना चाहोगे, क्योंकि बड़े जो बनना था आप नहीं बन पाए, तो मर करके पुनर्जन्म लेना चाहोगे और लेकर के फिर आप बड़ा बनने की चेष्टा करोगे। तो भैया बड़ा बनने के लिए तो आपको आपके मूलभूत स्वरूप का परिचय देना पड़ेगा कि भाई तुम्हारे अंदर में ये टेंडेंसी क्यों है। तो वो टेंडेंसी वो ये है कि तुम्हारे मूल का परिचय देना पड़ेगा, तुम्हारे बाप दादे का परिचय दे। जैसे कहीं तीर्थों में जाओ तो तीर्थों में वो पंडा लोग सब पूरी पत्री अत्री, तुम्हारे बाप ये थे, तुम्हारे दादा ये थे, तुम्हारे ये थे, तो उनको हम पंडा जी कहते हैं। तो इस तरह से आपके मूलभूत का परिचय जो देगा, भावातीतम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम, वो साइकिल चलाने की बात नहीं करेंगे गुरु, वो स्कूटर खरीदने की बात नहीं करेंगे, वो शादी की बात नहीं करेंगे, बाल बच्चे पैदा करने की बात नहीं करेंगे, वो तो केवलम ज्ञान मूर्ति, केवल ज्ञान की बात करेंगे कि तुम्हारा उद्गम कहां से है, तुम पैदा कहां से हुए हो और तुमको कहां जाना चाहिए। जो कि तुम कर ही रहे हो, जाने अनजाने में तुम वही कर रहे हो। जो आपको आपके मूल का परिचय दें, आपके वास्तविक स्वरूप का परिचय कराएं, और परिचय ही ना कराएं, आपको प्रेरित करें, आपको प्रेरणा दें, आपको डांट करके, प्रेम करके, प्यार करके, प्रलोभन दे करके, एन केन प्रकरण आपको उस मार्ग पर आरूढ़ करें, तो उनको गुरु कहा जाता है, है? तो ऐसे गुरुओं को वो भाई साहब जगत में ढूंढना पड़ता है। ढूंढोगे तब जब पहले थोड़ा सा सामान्य रूप से आपका पेट तो भर जाए, ये रोजी रोटी 800 रुपया, 4000 रुपया, 8000 रुपया की नौकरी पानी से जब पेट भर जाएगा, तब आप जो हैं कि गुरु को ढूंढने की चेष्टा करोगे। और वरना 80 साल होने के बाद में टुप से पता नहीं क्या निकल जाता है और सारी दुनिया देखती रह जाती है, अरे सौरभ तो ये था, वो क्या निकल गया, वो पता ही नहीं चलता कि क्या निकल गया। तो उस विषय का परिचय करना कराना किसी की दायित्व है। वो पैदा इसीलिए होते हैं, हैं कि आपको आपका परिचय, आपके स्वरूप का परिचय कराएं, और ताकि आप जो हैं द्वंद्वों से मुक्त हो सको, त्रिगुणों के ऊपर जा सको, भावों के ऊपर जा सको, क्योंकि भावातीतम त्रिगुण रहितम। और एट प्रेजेंट तो आपका नाम क्या है? महानुभाव। आइए महानुभाव, आइए महानुभाव, तो आप एक भाव हैं, और पर आपको गुरु जो है भावातीतम भावों से ऊपर ले जाएंगे। तो वरना हम लोग मतलब ये भावों के द्वंद में, दो आंखों के द्वंद में, अच्छे भले के द्वंद में, दिन रात के द्वंद में, सुख दुख के द्वंद में, अच्छे भले बुरे के द्वंद में, गरीब अमीर के द्वंद में, ठंडी गर्मी के द्वंद में, हम द्वंद में ही पैदा हुए हैं, द्वंद में जी रहे हैं। तो इसका नाम संसार है, द्वंद का नाम संसार है। और गुरु भैया आपको इस भव समुद्र से ऊपर उठाएगा। तो ऐसे गुरु को हमें तलाशना पड़ेगा, उनकी शरणागत होना पड़ेगा, तो आपको जो है कि आपका स्वरूप प्राप्त होगा। और ये भ्रांति में मत रहना कि गुरु के चक्कर में पड़े तो फिर तो मतलब ये बाल बच्चे संसार नौकरी तहसीलदारी ये सब गई, दुकानदारी गई, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गुरु बहुत, गुरु माने सदगुरु होते हैं,
वो जानते हैं कि तुमको दुकान की भी जरूरत है, तो रोजी रोटी की भी जरूरत है, बाल बच्चों की भी जरूरत है, नौकरी की भी जरूरत है, तो कपड़ों की भी जरूरत है, तो वो ऐसी व्यवस्था करके देते हैं कि तुम्हारे मतलब दोनों काम होते रहें। युद्धस्व कुरुच मामे और अनुस्मरण युद्धस्व कुरुच है, मेरा भी स्मरण कर अर्जुन और युद्ध भी कर। तो युद्ध करने के लिए संसार रूपी ये है आपका ये, और मेरा भी स्मरण कर करके भगवान का स्मरण है। तो सद्गुरु बड़े बुद्धिमान बड़े तत्वदर्शी होते हैं, वो ऐसा सेट कर देते हैं तुमको और सुखमय बना देते हैं, तुम्हारे सारे कष्ट हट जाते हैं गुरु को प्राप्त करके। क्योंकि गुरु गुरु जो है वो भगवान से बढ़कर के होते हैं, भगवान भगवान। तो तुम लोग सभी हम लोग सब बचपन से भगवान राम राम कृष्ण कृष्ण करते करते हाथ ये हो गए, पर भगवान ने कभी दर्शन नहीं दिया और भगवान कभी सुनता भी नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नीलकंठ बम बम भोले कर करके वो वहां से पांव घिसते घिसते आते हैं, किसी ने कोई शंकर अंकर भगवान ने दर्शन दिया नहीं। लेकिन गुरु जो है वो अगर मिल जाए, सदगुरु मिल जाए, तो वो सब आपके भ्रांति कष्ट उसको समझ जाएंगे, समझ करके तदनुसार आपको उसकी ट्रीटमेंट बता देंगे। और ये तो हम आप सब लोगों आप सब मित्रों ने आज गुरु पूर्णिमा के दिवस पर, आज तारीख क्या हुई, 5 जुलाई 2020 को ये हमारे चिदानंद धाम में अपने गुरुदेव के भवन में स्वामी चिदानंद जी महाराज जो हमारे गुरु रहे हैं, लेके आना फट से चित्र वहां का चित्र। गुरु महाराज जो हमारे गुरु महाराज रहे हैं और फिर स्वामी शिवानंद जी का और स्वामी शिवानंद जी जल्दी से ले लो। तो ये जो दो सतगुरु आपने देखे स्वामी चिदानंद जी और स्वामी शिवानंद जी, इन लोगों ने वास्तव में तत्व ज्ञान के लिए ब्रह्म ज्ञान के लिए अपने जीवन को न्योछावर कर दिया। और भैया हम माने मेरे जैसा अयोग्य व्यक्ति भी, हम तो भैया इनका अनुकरण कर रहे हैं, और जब से अनुकरण कर रहे हैं आज आप 10 लोग 12 लोग 15 लोग और देखो हम लोग सब कितने सुखमय आनंदमय दिवस को व्यतीत कर रहे हैं, आनंदमय दिन को हम लोग व्यतीत कर पा रहे हैं। इसलिए आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और प्रणाम करता हूं, और गुरु महाराज की कृपा जो है हम सब लोगों पर हो। हमारा सब प्रकार का अलौकिक सांसारिक जो कष्ट है वो दूर हो, और प्लस हमें पारमार्थिक मार्ग प्राप्त हो, यही प्रार्थना गुरु महाराज के चरणों में करते हुए मैं बोलना चाहता हूँ कि बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।